टी20 वर्ल्ड कप दे लई भारत ते टीम दा ऐलान कीता गया है। दस के वर्ल्ड कप च रोहित शर्मा नू टीम दी कमान सौंपी गई है ते हार्दिक पांड्या नू उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाया गया है, जिम्मेवारी नाल नवाजिया गया है। श्री ऋषभ पंत दी टीम च वापसी हुई, इस विचाले कोहली, जयसवाल, शिवम दुबे, संजय सैमरन टीम शामिल हुए। शुभमन गिल नू टीम च थां नहीं दित्ती गई, हालांकि बैकअप खिडारियां दी लिस्ट शुभमन गिल दा नाम शामिल। टी20 वर्ल्ड कप दे लई भारतीय टीम दा ऐलान कर दिता गया है। वर्ल्ड कप च रोहित शर्मा नू टीम दी कमान सौंपी गई है, हार्दिक पांड्या नू वाइस कैप्टन दी जिम्मेवारी दित्ती गई। इस विचाले वर्ल्ड कप टी20 दे लई अर्शदीप सिंह दी चोण हुई है ते अर्शदीप दे कोच जसवंत राय ने वधाई दित्ती है। अर्शदीप नू सख्त मेहनत करन लई उहनां दे वल्लों कहा गया है। जसवंत राय ने कहा है कि हुण तक अर्शदीप च आया है स्टारडम, नहीं आया स्टारडम, तो अमेरिका ते वेस्ट इंडीज च मुकाबले होने जा रहे हैं जिन्हां दे वल्लों टीम दा ऐलान कीता। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम की घोषणा हो गई है और उसमें जगह बनाई है पंजाब के स्पीड स्टार अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। हमारे साथ उनके कोच जसवंत राय मौजूद हैं। जसवंत जी, काफी बार आपसे बातचीत हुई है, जब जब अर्शदीप ने अचीव किया, इंडियन टीम में आया और फाइनली पहला वर्ल्ड कप टी20 अर्शदीप खेलने जा रहे हैं, कैसे पता लगा आपको? एक्चुअली ये मेरे को आपके न्यूज के द्वारा ही पता चला है। एक्चुअली मैं कहीं बैठा हुआ था फंक्शन में, तो मुझे आपका फोन आया, तो आपने कहा मुबारक है, मैंने कहा किसी की, तो आपने कहा बेटा आपका बच्चा आपका वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ, तो बहुत खुशी हुई मेरे को। फिर उसके बाद इमीडिएटली मैंने जैसे ही आपका फोन कट हुआ, फिर मैं अर्शदीप से बात की, तो वो बहुत खुश था, उसको मुबारकें दी। तो फिर बस उसको यही कहा कि ये जो अब 5 मैच बचे हैं, ये हमारी प्रेपरेशन है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मेन वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है, एक हिंदुस्तान को एक गोल्ड मेडल लेके हम वर्ल्ड कप लेके आना है। तो बड़ा खुश था, वो भी बड़ा खुश था, खुश इसलिए ज्यादा हम दोनों हैं कि इस बार जैसे जैसे अब हिंदुस्तान के पास फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए, तो हमने बहुत सारे फास्ट बॉलरों में से निकल के हम आए हैं, तो इसलिए ज्यादा खुशी हुई कि एक हेल्दी कंपटीशन से हमारे सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुशी हुई इस बात। अभी आईपीएल चल रहा है, अर्शदीप की अभी तक की परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे? और उससे पहले जब आपकी बात हुई अर्शदीप से, क्या अर्शदीप का कहना था, क्या बातचीत हुई? बातचीत यही, वैसे मैंने कहा हाँ जी पाजी मुबारक, तो बड़ा खुश हुआ, कहना कोच साहब तुम्हें भी बहुत मुबारक, बस यही बात हुई कि मैंने उसको यही कहा कि बेटा अब ये जो 5 मैच हमारे जो रिमेनिंग रह गए हैं जो अपने फ्रेंचाइजी लेगी, तो अच्छा करना, तो ये आपके लिए हमारे लिए प्रेपरेशन है वर्ल्ड कप की, जो है उसके लिए तैयारी करनी है, जो कमियां लग रही हैं उसमें और मुरू पर मैच में क्या क्या लगता है तेरे को कि मैच के ड्यूरिंग क्या हमने तो पिछले मैचों में क्या गलतियां की हैं, उसको आगे 5 मैचों में सुधारना, ताकि वो वहां पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे बॉल करने की कोशिश करनी। अभी तक जो आपने अर्शदीप को जितना देखा है, आपने निखारा है, अभी आईपीएल में भी चल रहा था, जैसे आप मैच देखते हैं अर्शदीप के जब भी, और जब खासकर उसकी बॉलिंग को बहुत बारीकी से आपने देखा भी है। एक बार मुझे याद है नेट में जब अर्शदीप बॉल कर रहा था, आपने स्पेशल उसको यॉर्कर की, और उसके काफी आप कहते हैं ना बारीकी नजर कोच की होती है। प्लस पॉइंट आपको अभी अर्शदीप में क्या नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों से? प्लस पॉइंट ये है कि एक तो उसको एक्सपोजर काफी मिल चुका है और एक कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्डअप हुआ है उसके अंदर, तो एक अब टेक्टिकल जो चीजें हैं उसके अंदर काफी ज्यादा सीख ली है उसने टेक्टिकल चीजें, तो उसके स्किल के साथ तो स्किल वाइज तो अच्छा ही था, तो अब जो टेक्टिकल चीजें हैं वो काफी सीख गया। जैसे अभी रिसेंटली रसल को आउट किया उसने, वो उसकी प्लानिंग थी कि मैं इसको वाइड, चाहे वाइड हो जाए लेकिन मैं आउटसाइड आउटसाइड यॉर्कर मारूंगा, तो उसने उसको पहले 2 वाइड की, फिर आउटसाइड और ये यॉर्कर गया, डॉट बॉल गया, फिर एक बार एक फिर वाइड गई, तो रसल के माइंड में ये था कि शायद ये हर बॉल यहीं पे फेंकने वाला, तो उसके बाद उसने नेक्स्ट बॉल उसको बाउंसर मारा, वहां पे आउट कर लिया, तो ये चीजें टेक्टिकल चीजें हैं, वो काफी सीख चुका है। क्या टिप्स देंगे अर्शदीप को आप आने वाले टाइम में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप, उससे पहले? बस यही टिप्स है कि एक पिछले वर्ल्ड कप में हम टी20 में काफी ज्यादा लेके नहीं आ रहे, उसको मैं यही टिप्स दूंगा कि बिरला चक दे शेर पंजाब दे, उससे विकटा काट दे, अपना वर्ल्ड कप चुका के ले आएंगे। अच्छा एक और सवाल ध्यान में आता है, आपको लगता है कि सपने जैसा है कि कुछ साल पहले एक आम घर का लड़का जिस तरह से उसके मदर साइकिल पे छोड़ने आते थे, आपकी आपसे मिला, छोटे से आपने देखा, आज वो इंडियन टीम का स्टार है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, कुछ लगता है कि 4-5 साल में इतना सब कुछ हो जाता है? नहीं, ये देखो उसकी मेहनत है, या भगवान ने ऊपर एक जरिया बनाया उसका और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसकी मेहनत का फल मिला ये, और उसका एक मेहनत के तो चलो मेहनत तो हर बच्चा करता है, लेकिन अभी भी इतने इंटरनेशनल लेवल खेलने के बाद उसका जो हेड है वो नीचे है, जमीन पे है, और इतना सिंसियर लड़का मैंने देखना नहीं है। अभी भी जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आता है तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लगती, छोटा सा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा उसके साथ वैसे बिहेव करेगा, चाहे ग्राउंड मैन है या कुछ है, तो अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ कोई तो वो खड़ा रहेगा,
अगर कोई लड़का भी बैठेगा उसको ही नहीं बोलेगा खड़ा हो मैच चेयर दे मेरे को, नहीं वो खड़ा रहेगा जब तक उसको कोई चेयर ऑफर नहीं करता। तो अभी भी वो हम्बल है, काफी हम्बल है। चलिए बहुत बहुत मुबारक है और एक बार फिर से को साहब वर्ल्ड कप में उम्मीद रहेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे जसवंत राय अर्शदीप सिंह के कोच, T20 वर्ल्ड कप के लिए पंजाब के अर्शदीप जगह बना चुके हैं, शुभमन गिल को जगह नहीं मिली, वो रिजर्व में है। अब उम्मीदें हैं इस टीम पर, क्या T20 वर्ल्ड कप अमेरिका वेस्ट इंडीज में हो रहा है जो जून में झोली में आएगा नहीं, देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।